Assalamualaikum guys, मैं हूँ आपका दोस्त कलंदर बश, जैसे कि आपको हम आपको तो भाई हम आपको आज जो है कीमे की रेसिपी बनाना बता रहे हैं, सिखाना। तो आप देखिए कीमा कैसा बनता है। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑयल से। ये हमने लिए है आधा कप ऑयल, हमने ऑयल गरम करना है पहले। गरम करके उसके बाद में हमने डालनी है लहसुन, अभी हम लहसुन डालने लगे। ऑयल गरम हो गया, दो से तकरीबन तीन लहसुन हमने पीस के हिलाते रहेंगे ताकि वो जले नहीं, ब्राउन करना है हमने इसको। जी दो से तीन लहसुन हमने डाले और वो कूट के उसके बाद में उसको हमने ब्राउन करना है, और ज़्यादा भी ब्राउन नहीं करना ताकि जल जाए वो, हल्का सा ब्राउन करना है। और उसके बाद में हमने डालना है प्याज। हम डालने लगे हैं प्याज, तकरीबन दो से तीन प्याज है, और प्याज को भी ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्के से ब्राउन करना है। इसको साथ साथ हिलाते रहना है ताकि इसमें लहसुन भी ना जले और प्याज भी ना जले, ब्राउन करना है हल्का सा। जी हमारा प्याज हो गया है और उसके बाद में हम डालने लगे हैं कीमा। कीमा जो है हमारा फ्रीज हुआ है, जो हो जाता है फ्रीज हो तो खुल जाता है, इसलिए हमने हल्का सा प्याज जो है ब्राउन किया है। जी कीमा अभी खुल चुका है, फ्रीज हुआ हुआ था तो अभी ये वाइट भी हो चुका है। जी बिस्मिल्लाह, देखिए हमारा कीमा खुल चुका है और देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी शक्ल आ चुकी है, और ये वाइट करना है और ज़्यादा इसको नहीं करना, ब्राउन नहीं करना ज़्यादा ताकि जले नहीं। ये वाइट हो चुका है यानी कि पक चुका है। हम इसमें सॉल्ट डालने लगे हैं, तकरीबन टीस्पून चम्मच, ये हल्दी तकरीबन चौथा हिस्सा, इसमें डालने लगे हम मिर्ची टीस्पून, इसमें डालने लगे हम टीस्पून धड़ा मिर्च, डालने लगे इसमें काली मिर्ची तकरीबन चौथा हिस्सा, ये जायके के लिए बहुत अच्छी रहती है। ये हम डालने लगे गरम मसाला तकरीबन चौथा हिस्सा। जी हमने मिर्ची इसीलिए शुरू में डाली है ताकि इसका जायका बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह, और देखें कितना प्यारा कलर आ चुका है इसमें। जी मिर्ची के बाद हमने डालने टमाटर ताकि ये पानी छोड़ेंगे, और चिकन जो थोड़ा बहुत कच्चा होगा इसमें पक जाएगा, और ये हमने मिक्स भी करना है, और मिक्स करने से ये था कि माशाल्लाह ये चीज़ें मिक्स हो जाती हैं और जल्दी बनना शुरू हो जाएंगी। जी अभी हमने इसको ढकना है ताकि 6 से 7 मिनट में हल्की सी आंच पे ये पक जाएगा। जी इसमें हमने हल्की सी स्टीम दी है ताकि इसमें टमाटर भी पक जाए और कीमा भी पक जाए, और इंशाल्लाह सुभानअल्लाह बेहतरीन होगा। जी अभी ये 7 मिनट हो चुके हैं तो उम्मीद है टमाटर भी गल चुके होंगे, देखते हैं। आइए माशाल्लाह सुभानअल्लाह बेहतरीन हो चुके हैं, टमाटर भी गल चुके हैं अभी इसमें। जी हम डालने लगे इसमें बटर, देसी है हमारे पास अपना, तकरीबन 3 चम्मच मक्खन डाला, और उसके बाद में मिर्ची हरी, बटर इसी के डाला ताकि जायका बनता है माशाल्लाह सुभानअल्लाह। जी तो ये बटर और ये हमारा देसी है अपना घर का, ताकि इसका जायका बनता है और खुशबू बड़ी प्यारी आती है, और आ भी रही है। जी और ये मिल्क क्रीम डाली है, और खाना पकाते वक्त अल्लाह पाक का नाम लेना चाहिए क्योंकि उसमें जायका और लज़ीज हो जाता है, तो इंशाल्लाह खुशबू भी बड़ी प्यारी आने लगी है। जी अब हम डालने लगे धनिया एंड में, खाने के एंड में, और जायका इससे ही माशाल्लाह बेहतरीन आएगा।
तकरीबन 2 से 3 मिनट तक स्टीम देंगे ताकि ये इसकी खुशबू हो जाए धनिया की। ये हमारा खाना तैयार हो चुका है और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और कमेंट में अपना प्यार मोहब्बत बांटिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।